पीपल फार्म के पास एक और सिल्वर बटन आया है, ये आया है पीपल फार्म प्रोडक्ट्स का, जिसे शिवानी जी लीड करती हैं। बड़े सारे लोग कहते हैं कि मैं बताता नहीं हूँ कि मैं मैरिड हूँ। शिवानी मेरी मिसेज है, मुझे नहीं लगता था ये सीक्रेट है। शिवानी टेप कटी हुई थी, तूने प्रिटेंड किया है क्या टेप काटने का? मुझे लगा कि वो टेप है। ये मुझे दे दे, इसका पीछे की साइड में लिख लूंगा। यार अभी सबको तो दिखाने हैं, अभी टीम को मैं तेरे को बोलने लगा था, मैं कहा कि स्लो मोशन में शूट कर सकते हैं हम। तो इसलिए मैं धीरे-धीरे कर रही हूं, कहीं से बिच्छू छूट के मेरे ऊपर ना आए। ये बैठे रहे मेन माटी फाइनली। टीम कहां है सारी? प्रोडक्ट्स की ये टीम है और ये नहीं मेरी दूसरी टीम। आजा भी लो। एक्चुअली प्रोडक्ट्स की दो टीम है, प्रोडक्ट्स की एक मीडिया टीम है और एक प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन पैकेजिंग टीम है, वो तो उधर है। और ये है शिवानी की जो रेसिपी और जो दूसरे वीडियोस बनाते हैं, ये थ्री पीपल टीम। शिवानी तो चाह नहीं रही थी मैं हूँ, इसने वेनु को बुला रखा था कि भाई मैं हरास कर मारूंगा। तो वो कोई गलत तो नहीं है क्यों? लता आपको लगता है कभी मैं इससे परेशानी हुई क्या? हम उधर से आएंगे। सुन एक बारी दोबारा से सारा कर सकते हैं, मेरा रिकॉर्ड नहीं होता। आई नो सॉरी, नहीं सीरियसली नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ भाई, रखो ये नहीं भाई रखो, तो दोबारा कर लेते हैं। तुमने वैसे भी तो टेप काटना तूने एक्ट ही किया था। अरे यार वो एक्ट नहीं था, मुझे लगा था कि वो टेप था। तुम झूठ बोल रहे हो ना? नहीं भैया रखो अंदर इसको, ये तुम व्लॉग में करने के लिए कर रहे हो, है ना? हम ऐसा क्यों करेंगे, हमारे पास तो सिल्वर बटन आ रखा है। तभी तो हमारे पास नेहा है, नेहा के एनिमल्स हैं। टू बी कंटिन्यूड। अभी हम जा रहे हैं खोल का रेस्क्यू करने, बैल की बहुत बुरी कंडीशन है। ये इसको गाड़ी वाला मार गया, ये सीट कराया, उसने ब्रेक नहीं मारी है। आपने अंकल जी देखा है ये होते हुए? हाँ हाँ, मैं तो साथ में, जैसे यहाँ मैं तो वो ट्रक खड़ा, इतना दूर बैल खड़ा है, बैल पहले ऐसे बीच में खड़ा है, ये रोड पे खड़ा है, ऊपर से गाड़ी आया एकदम, उसने ऐसे डोला मारा इसको पीछे से ना, बैल घूम के सीधा आगे आ गया। आगे उसने सोचा कि बैल चले गया होगा, बैल आगे फंस गया, यहाँ से खींचता लाया साला। मेरे जाने कुछ नहीं, जो उसे मारा है क्या बोलेगा इधर, नहीं मारता। लोग तो छोड़ देते हैं, पाल पुल के काम हो गए तो छोड़ दिए, अब ये कहाँ जाएंगे? तो बेजवान जानवर जहाँ मर्जी बैठ जाते हैं। थोड़ा ड्राइवर को तो होश होना चाहिए कि कैसे गाड़ी चलानी है कैसे नहीं। जो ऐसे करेगा ना वैसे भरेगा, जिसने टिप्पर उसको मारा सुबह उसका ऐसे एक्सीडेंट हुआ, आधा हिस्सा लग गया उसका। आज सुबह सर 4 बजे टाइम गया ना थोड़ा। ये पेन किधर लगाया इसको? ये हुआ था क्या 4 बजे? फुल स्पीड में था, डोम थी, मैं पता नहीं अब क्या किया उसने, नींद में था क्या? मुझे लग रहा है हो सकता है। चार और अब मैं आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ गुजरात के जखाऊ का, जो मछुआरों का एक गांव है। साल के कुछ महीने तूफान की वजह से सरकार मछुआरों का समुद्र में जाना बैन कर देती है और उस समय अधिकांश मछुआरे गांव छोड़ के चले जाते हैं और पीछे रह जाते हैं बहुत से भूखे कुत्ते और कुछ मछुआरे जो अपने नेट्स या नाव को फिक्स करने के लिए गांव में रुक जाते हैं। करीबन 3 साल पहले ऐसे ही भूखे कुत्तों ने वहां पे एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को काट खाया था, लेकिन बजाय कि वहां के लोग कुत्तों को पीटे और समुद्र में फेंक दें, वहां पे हुसैन और इमरान भाई ने एक मिसाल कायम करी। उन लोगों ने गांव के बच्चों के साथ कुत्तों के लिए खाना बनाने और खाना खिलाने का एक प्रोग्राम शुरू किया। खाने में कुत्तों को दिया जाता है चावल, आलू, तेल, हल्दी, नमक और मसाले, क्योंकि बिना तेल मसाले के वहां के कुत्ते खाना खाते नहीं। उनके इस प्रयास के बारे में जब गुजरात की सुचिता कपूर जी को पता लगा तो उन्होंने हुसैन और इमरान भाई के इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया, ईश्वर अल्लाह ग्रुप। इस ग्रुप में जुड़े हुए सभी सपोर्टर्स को सुबह शाम 2 वीडियो कॉल्स आती हैं जिसमें खाना बनाते हुए और डॉग्स को खाना खिलाते हुए दिखाया जाता है। आप भी अगर इस प्रयास और इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो सुचिता जी को संपर्क करिएगा, और अगर आप ऐसी ही कोई प्रेरणादायक कहानी जानते हैं तो उसे हमसे जरूर शेयर करिएगा। मैं अभी सैंक्चुअरी आया हूँ, कैश रात को बैठ गया तो मैट था नहीं इसके पास क्या? मैट था लेकिन वो फिर भी ऐसे वो साइड होके बैठ गया। अभी हमारा ये जो शेड है ये पूरी तरह से बना नहीं है ना, और वैसे भी ये गायों के लिए है नहीं, ये तो हमारा हॉर्सेस के लिए है। कैश को तो हमें रखना पड़ा, अब रात को क्या हुआ इस पे बारिश पड़ी है और ये बैठ गया है।
आई थिंक इसके दूसरे पैर में भी स्वेलिंग आ गई, क्योंकि एक पैर पे ज्यादा जोर रहता है ना इसके। हम इसको खड़ा करते हैं और देखते हैं कि इसको ज्यादा दिक्कत तो नहीं है। खाना हमने इसीलिए रखा, खाने की लालच में खड़ा होने का ट्राई करेगा, लेकिन आज तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा कुछ भी। ले ले ये ले, केले में अभी इसको पेन किलर की दवाई दी है, अब इसको उठाने की कोशिश करते हैं। रस्सी और डंडे से खड़ा करेंगे, जोर नहीं ले रहे ना पैरों पे पूरा। चलो उसका पैर बहुत ज़्यादा लिंक कर रहा है, ये जिस तरीके से बैठता है यहाँ पे इसके घाव होने लग गया है। अब अंदर पास पुस हो तो निकला है यहाँ से। पानी रखो इसको। उठ तो गए हैं भाई साहब, रस्सी और बांस वगैरह लगा के इतने लोगों ने उठा दिया इसको, लेकिन अब समस्या वही है ना कि इसका एक पैर ये जो है बिल्कुल ही खराब है, तो अगर ये बैठ जाता है तो यही प्रॉब्लम होती रहेगी। तो मैं कहता हूँ जो गौशाला है जहाँ पे सैकड़ों हजारों गाय बैल हैं, तभी तो उनकी हालत खराब रहती है कि भाई ऐसे इंडिविजुअल केयर नहीं मिल पाएगी कि बैठ गया है तो उसको उठा दो। तो उतने ही पशु किसी भी जगह में होने चाहिए जितने का ध्यान रखा जा सके। अभी तो मैं सबसे पहले आया हूँ हॉस्पिटल। विजय जी जो हैं अब ये शहतूत यहाँ लगाना शुरू कर देंगे। हमने पिछली बार भी लगाया था, लेकिन क्योंकि वो सब कंस्ट्रक्शन के दौरान था, मेरे ख्याल से उसमें से एक या दो ही बचे, तो वो एफर्ट तो वेस्ट हो गया। पर शहतूत का यही है क्योंकि लो एफर्ट काम है तो इतना पंगा नहीं है। हम मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। बोलो बोलो। एक्चुअली कल एक इम्पोर्टेंट केस आया था हमारे पास, बैल के लिए हमें कॉल आई हुई थी, जबड़ा उसका, हमने हाथों हाथ वहाँ पर उसका चेकअप करा लिया था, उसी बारे में बताना चाह रही। अगर आपको बताने लायक बात होगी तो मैं आपको बताता हूँ। बाय द वे, गहना की इम्प्रूवमेंट ज्योति कह रही है कि हम देख के विश्वास नहीं करेंगे। मैंने भी अभी तक देखा नहीं, मैं आपके साथ भी देखूंगा। अरे ये तो ऐसे लग रहा है जैसे छोटे बच्चे के बाल काट देते हैं, पहचान में नहीं आते फिर वो। इसके तो सारे ही वार्ड्स हट गए रे। नाइस। चिंगारी का बाल बांध के फ्यूचर जो हम बांधते थे, जैसे हमारे सर्जरी के बाद कोई फ्यूचर बच गए हैं, पड़े रह गए जो यूज नहीं हो सकते, तो हम उन्हें बांध देते थे नायलॉन थ्रेड की जगह। अब इन्होंने जो चिंगारी जो हमारा हमारी म्यूल यहाँ पे आ रखी है उसके बाल से ये कर रहे हैं इलाज। बारे गए ना बारे ज्योति। चल 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 बोनस, अब हम घर जाएंगे आज अपने। बड़ी जल्दी लगी है भाई, ये बोनस है। ये वहाँ पर मल्टीपल वूंड्स के ले आया था बॉडी पे, इसके हॉर्न पे वूंड्स था, अलॉन्ग द स्पाइन थे, हिप बोन में थे और लेग्स पे भी वूंड्स थे। इसको हमारे पास एक साल हो चुका है तकरीबन, क्योंकि इसको बीच में बहुत सारी और चीज़ें भी हुई जैसे टिक फीवर वगैरह, तो उसकी हीलिंग थोड़ी डिलेड हो गई थी और इसके जख्म जल्दी भर भी नहीं रहे थे, पर अब जख्म भर गए हैं और हम इसको रिलीज करने लगे। यहीं से इसको उठाया था। खुश है ये? अरे भाई खुश होगा, से एक साल हो गया, तो अपनी मर्जी से खाएगा भाई। हे ज्योति, ये कलयुग की सेहत बेटर लग रही है, बाल भी अभी तक डाई कर रहा है ब्लॉन्ड है। इसका जबड़ा टूटा हुआ है, ये तो बछड़ा ही है, छोटू सा है। कल हमने हाथों हाथ इसको पालमपुर में एक्सरे करवा लिया था, डॉक्टर त्यागी ने इसे देखा है, बोला कि जैसे डॉक्टर त्यागी वहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, मतलब बेस्ट आदमी। जो डॉग्स के लिए मजल होती है ना, वैसे लार्ज एनिमल्स के लिए छिपका होता है ना, हाँ। वो मजल लगा के रखने बोला है इन्होंने, और बोला है कि फ्लूइड्स पे रखो करना हो तो हमने हाथों हाथ दिखा लिया, क्योंकि हम लोग ऑर्थो वाला काम हड्डियों वाला काम नहीं कर सकते। बाय द वे शायद हमारा एक्सरे बहुत जल्द लग जाएगा, फिर हमें ऑर्थो वाले सर्जन भी चाहिए होंगे। तो अब इसके लिए उन्होंने कहा कि ज़्यादा डैमेज नहीं है, अनहिंज्ड नहीं है, मेन तो ना पानी का होता है। जौ वाले केसेस में क्या होता है कि पानी नहीं पी पाते और प्यास से इन्हें मरने में एक हफ्ता लगता है। एक चीज़ है, अब ये हमारा पहला मानसून है ना, हमने सितंबर में हॉस्पिटल शुरू किया था, तो हमारा पहला मानसून है, तो हमारा वैसे तो वेल वेंटिलेटेड है ये काउशेड, पर हमें एग्जॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। हमने एग्जॉस्ट की जगह तो छोड़ रखी है, एक वहाँ है और एक वहाँ पर्दे के पीछे ढकी हुई है, तो दो अपन लोगों को एग्जॉस्ट चाहिए, वो हम लोग हमारी अमेजोन विशलिस्ट में डाल रहे हैं। इसे क्या हुआ है, मुँह लटका के बैठा है, कितना बड़ा मुँह है भाई इसका। इसका नाम क्या है डायनासोर का? बिलाल। बिलाल नूडल दोबारा आ गया, नूडल मुंह चटवा रहा है, नूडल हमारे यहाँ एक बार ठीक हो गए जा चुका है,
आप लोग कहते हो भाई आप रिलीज करो उन्हें चोट लगी, हम क्या करें, हमें समाधान तो दो। मेरे पास समाधान नहीं है, मोस्ट चीजों का समाधान नहीं है। मेरे को ये पता है कि भाई जो मैं कर सकता हूँ मैं वो करूंगा, अगर ये पर्टिकुलर पशु है इसकी मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ मैं इतनी करूंगा, अगर हेल्प नहीं कर सकता तो मैं किसी और की पशु करूंगा। सफर करने वाले तो थैंक्स टू लोग करोड़ों पशु हैं। अब मुझे जाना है वापस फार्म, वहां से और पेड़ उठाने हैं और जाना है सैंक्चुरी। बाय ज्योति। मैं ब्लड डोनेशन ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हूँ जहाँ से किसी ने मुझे संपर्क किया, उनकी मदर को बी पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता थी तो मैं इसलिए टांडा मेडिकल कॉलेज आया, लेकिन मैं यहाँ पे ब्लड डोनेट कर नहीं पाया क्योंकि मुझे हाल ही में लगा है रेबीज का टीका। अगर मैं ब्लड डोनेट करता तो मैं तो इसको खूब व्लॉग में भी बताता और स्टोरीज में भी बताता कि देखो मैंने तो बड़ा अच्छा काम किया। देखिए जो लोग अरबों रुपए खर्च करके शादियां करते हैं वो तो खूब दिखाते हैं हमारी करोड़ों की शादी, देखो हमने फलाने सिंगर को मिलाया। तो समाज में फिर इन्हीं चीजों का, इसी तरह के दिखावे का, इसी तरह के कंज्यूमरिज्म का प्रचलन होता है और जो लोग अच्छा काम करते हैं कहते हैं नहीं यार किसी को बताना नहीं है, यू नो ये अच्छी बात नहीं है, और फिर अच्छा काम पीछे छूटता जाता है। तो अगर आप अच्छा करते हैं तो उसको दिखाइए, उसको बताइए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है।